और सब कहके सब लोग, ये हमारा ब्लॉग नंबर 26 और अभी हम ये मेरा काम है भाई, मैं बोलता हूँ तो चल ठीक है, दोनों साथ में बोलते हैं चल ठीक है। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और ये है हमारा व्लॉग नंबर 26 और आज है मम्मी पापा की एनिवर्सरी, तो हम जाने वाले हैं कहीं पर बाहर घूमने, तो मेरे साथ जाएगा सम्यक भी, तो हम मजे करेंगे खतरनाक ट्रिप में। तो भाई सम्यक कैसा लग रहा है, तो मजे करेंगे अपन? बढ़िया लग रहा है, बस अभी जाने वाले, देखते। और ये आप लोग जो पीछे गार्डन देख सकते हैं, मेरे कॉलोनी का गार्डन है, 15 अगस्त वाले व्लॉग में आप लोगों ने देखा ही होगा। तो अभी फटाफट चलते हैं घूमने के लिए, पापा मम्मी भी सब लोग रेडी हो चुके हैं, बस बड़े पापा अभी कार लेकर आ रहे हैं, हमने ड्राइवर किया मतलब कार करी है, हम उससे ही घूमने जाएंगे। और ये पापा मम्मी भी यहाँ पर रेडी हो चुके हैं और ये हॉर्न बजा रहा है गाड़ी पे बैठे बैठे, इधर देखो हेलो। तो अभी हम ऊपर आ चुके हैं क्योंकि मम्मी ने बोला कि जैकेट ले लें, क्योंकि रास्ते में जाएंगे तो ठंड वंड लग सकती है, इसलिए तो मैं जैकेट ले रहा हूँ। मम्मी ने तो जैकेट ले लिया है मैंने, तो निकल चुके हैं हम लोग घूमने के लिए। सम्यक मस्ती करेगा ना तू? तो अभी हम गोमटगिरी जाने वाले रास्ते पर एक मंदिर है जिसका नाम है ढाई द्वीप जिनाल है। मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा, बहुत मुश्किल नाम है, बोल भी नहीं पा रहे इतने अच्छे से। तो अभी ये देखिए, ये यहाँ पर इसका एंट्रेंस गेट है और इस साइड मंदिर, ये मंदिर बन ही रहा है अभी। तो आप लोगों को मैं अपने बड़े पापा से मिलवा देता हूँ। ये मेरे बड़े पापा, लग रहे बड़े पापा? बहुत बढ़िया लग रहा, बहुत बढ़िया, मजा आ रहे, बहुत बढ़िया मजा। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं गोमटगिरी, जो कि एक जैन तीर्थ है। तो आप लोगों ने गोमटगिरी का नाम तो बहुत बार सुना होगा, तो कुछ इस तरह है गोमटगिरी, देख सकते हो आप लोग, और ये एक जैन तीर्थ है। तो हम लोग काफी बार आ चुके हैं गोमटगिरी और आज वापस से आ चुके हैं दर्शन करने। तो मीना दीदी कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, चलो अब दर्शन करते हैं। आप लोग यहाँ पर सीढ़ी से भी आ सकते हो, हम लोग तो गाड़ी से आए तो हम सीधे रोड के थ्रू आ गए, तो यहाँ से आप लोग सीढ़ी से आ सकते हैं, देखिए। तो अभी घूमते घूमते मैं यहाँ पर आ चुका हूँ और यहाँ से व्यू देख सकते हो आप लोग, यार दो मिनट आपको अच्छे से दिखाता हूँ यहाँ का व्यू, कितने सारे घर ही घर दिख रहे, कितने दूर दूर तक, क्या व्यू है यार। तो हम लोग पहुँच चुके हैं गुलावट, क्यों सम्यक? ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा। तो बड़ी मम्मी ने अभी रेबिट लिया है हाथ में, ये देखिए यहाँ पर मैगी की शॉप है, आप लोग यहाँ पर फोटो शूट करवा सकते हो, देखो कितनी सारी चीज़ें यहाँ पर दिख रही फोटो शूट के लिए। ये देखो आप लोग देख सकते हो कि साइकिल को डेकोरेट करके रखा है, ये लोग चार्ज करते हैं फोटो खिंचवाने के लिए, कोई 20 रुपये, कोई 10 रुपये, ऐसे क्या रुपये चार्ज है इसका? 10 रुपये। ये देखो कबूतर और सम्यक घोड़े पे बैठेगा क्या? ये देखिए यहाँ पर घोड़ा है, भैया चार्ज क्या है घोड़े का? 50 पर पर्सन जाएगा क्या सम्यक? तो घूम नहीं रहा तू घोड़े पे बैठ के? अबे फालतू का काम है, चलो आगे चलो। ऐसा है क्या? पहले तो खुद ही बोल रहा था घोड़े पे बैठना है। अच्छा तो? यहाँ पर कुल्लड़ की चाय बन रही है, सभी लोग यहाँ पर मजा लेंगे कुल्लड़ की चाय का। अरे अभी ये एक और कौन आ गया, अब इसको भी बताना पड़ेगा कि इस कुल्लड़ वाली चाय में क्या खास रहता है। चलो कुछ ना कुछ तो अच्छा सोच के बताते हैं। चाय में फर्क क्या रहता है सिंपल चाय से? सभी लोग कुल्लड़ की चाय का मजा ले रहे हैं, यहाँ पर बहुत लोग अपने प्री वेडिंग शूट करने के लिए भी आ रहे हैं। भाई 2 मिनट तो चुप बैठो यार, मेरे को वीडियो तो बना दो यार, क्या कर रहे हो यार तू? तो मैं आप लोगों को बता रहा था यहाँ पर बहुत लोग ना प्री वेडिंग शूट करने भी आते हैं और काफ़ी सारे लोग यहाँ पर फोटो भी अपने खींच रहे हैं, और ये देखो ये महान भी खींच रहे हैं अपनी फोटो, क्यों सम्यक? कितने रुपये चार्ज है साइकिल का? ये चलाने वाले के 20 रुपये, फोटो खिंचाने वाले के 10। तो पोज वोज भी आप ही बता देते होंगे? बताऊँ आपको, एक से एक पोज बताएंगे प्री वेडिंग शूट के। क्या बात है, क्या बात है, ये देख सकते हो मैंने आपको जैसे बोला था ना, यहाँ पर बहुत लोग फोटो खिंचवा रहे हैं, देखो आप पूरा नज़ारा है यहाँ का, और हर जगह पर फोटो खिंचवाने के अलग अलग चार्जेस हैं। ये साइकिल को देखो आर्टिफिशियल फूल से सजा के रखा हुआ है, ये देखो। बाबू राव तू भी फोटो खिंचवा रहा है? ओ बाबू राव चश्मा तो लगा, ये बाबू राव का स्टाइल है।
यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एक्चुअल फ्लावर मतलब जो रियल फ्लावर होते हैं वो लगा के रखे हुए हैं। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कपल के लिए भी यहाँ पर स्पॉट्स बनाए गए छोटे छोटे और डेकोरेट किया गया है उनको अच्छी तरीके से। अब हम गुलावट के बाद आ चुके हैं बनेड़िया जी में, तो आपको मंदिर दिखाता हूँ मैं। तो देखिए ये है बनेड़िया जी का मंदिर जो कि एक दिगंबर जैन मंदिर है। तो अभी हम लोग बैठे हुए हैं बनेड़िया जी के जैन मंदिर में, दिगंबर जैन मंदिर में, और गुलावट का भी एक्सपीरियंस हमारा अच्छा रहा और हमारे छोटे जैन साहब ने भी बहुत मजे लिए, क्यों सम्यक? बड़े जैन साहब, हम दोनों ने बहुत मजे किए वहाँ पर गुलावट में। तो दोस्तों अभी हम इधर आ चुके हैं, अभी गार्डन का आपको व्यू दिखाने के लिए लाया हूँ मैं। इधर बहुत अच्छा गार्डन है, इस मंदिर का ही गार्डन है, ये बहुत अच्छा गार्डन है, अभी आपको दिखा दूँ मैं, ये बहुत सही गार्डन है। एक सेकंड दोस्तों, आप वही देख रहे हो जो मैं देख रहा हूँ? नहीं। तो अभी हम लोग आ चुके 24 अवतार मंदिर जो कि है देपालपुर में। तो आप लोग देख सकते हो कितना बड़ा मंदिर है यहाँ पर, ये देपालपुर में आता है, 24 अवतार मंदिर के नाम से जाना जाता है। कुछ इस प्रकार है देपालपुर का 24 अवतार मंदिर, आप लोग देख सकते हो। चौबीस अवतार मंदिर के बाद हम लोग आ चुके हैं नवग्रह जिनालय। तो सम्यक थक चुका है तू भी घूम के? हाँ, और वापस से ड्रेस चेंज कर लिया? हाँ। तीसरी बार ना? हाँ। बहुत बढ़िया। और यहाँ पर देखो चिड़िया चिड़िया दिख रही है, आवाज आ रही होगी चिड़िया की आप लोगों। और आपको अभी हम ये पेड़ भी दिखाते हैं, आप देख रहे हैं पेड़ एकदम परफेक्ट गोल एंगल में से, इधर कोई कोई पेड़ नहीं है जितना ये गोल है, बहुत बढ़िया। ये देख सकते हो आप लोग जो ये सम्यक पेड़ की बात कर रहा था, ये पेड़ है वो। तो ये जो नवग्रह जिनालय मंदिर है, ये आपको इंदौर का जो एयरपोर्ट रोड है वहाँ पर ही ये मंदिर है, इसको ग्रेटर बाबा के नाम से भी जाना जाता है इंदौर में। और कुछ इस प्रकार का है ये मंदिर, ये देख सकते हो आप, ये प्रतिमा है भगवान की। तो मैं भी आ चुका हूँ घर पर और काफी थक चुका हूँ। तो आप सारे के सारे एक बार लाइक कर दीजिए इस वीडियो को और शेयर कीजिए, और नीचे जो सुयश जैन ब्लॉग्स का जो चैनल दिख रहा है उसके सामने एक सब्सक्राइब बटन है, उसे भी दबा दीजिए। मिलता हूँ जल्द एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक। तो अभी हम जा रहे थे, घूम रहे थे, तो गोमटगिरी जाने वाले